बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है और इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को देखेंगे, और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था जो कि लास्ट थी, बहुत चंद लोगों ने अनफॉर्चुनेटली उसको देखा, लेकिन ये कि उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, तो जिन जिन लोगों ने देखा होपफुली उनको फ़ायदा हुआ होगा। तो ये वीडियो शुरू से एंड तक देखें और इंशाल्लाह ताला इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि आपको फायदे भी होंगे और आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक KSE 100 इंडेक्स को थोड़ा सा देख लें। पहली तो बात ये कि KSE 100 इंडेक्स इस टाइम न्यूज़ बेस चल रहा है, मुल्क के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, महंगाई, डॉलर, ये वो, तो बहुत सारे फैक्टर्स ने इसको घेरा हुआ। तो मार्केट इस टाइम आपकी मंथली नेगेटिव है, क्वार्टरली नेगेटिव है, ठीक है, क्वार्टर ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। तो अगर ये क्वार्टर ख़राब गुजर गया, मतलब कि मार्केट को स्टिल अपनी क्वार्टरली अच्छी क्लोजिंग करने के लिए कम अज कम 43,400 से ऊपर क्लोज होना है, मतलब 3 दिन के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट या 1500 पॉइंट तक गेन करने हैं, जो कि इम्पॉसिबल नजर आ रहे हैं। लेकिन खैर, नो वन नोज कि क्या होने वाला है, लेकिन बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट्स ये है कि ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि ये जो है ना आपका 43,400 से ऊपर जाके कहीं क्लोजिंग दे देगी, इम्पॉसिबल है। तो क्वार्टरली आपको मार पड़ेगी, क्वार्टरली मार पड़ चुकी है, ठीक है, और मंथली आपका मैंने पहले बता दिया कि नेगेटिव है। नेगेटिव मंथली में हमेशा एक चीज होती है, ठीक है, मंथली नेगेटिविटी में ये मंथली बेस्ड होता है, ठीक, तो मंथली बेस में ये होता है कि कुछ दिन आपकी मार्केट अच्छी चल जाती है, फिर एक फैक्टर आते हैं कुछ ना कुछ, वो मार्केट को ज्यादा नीचे लेके आते हैं, ठीक है। इसीलिए आज भी आपने शुरू में देखा होगा कि इंडेक्स बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, लेकिन स्क्रिप्ट इतने नहीं बड़े हुए थे, ठीक है, लास्ट में जाके जो है ना वो मार्केट ने थोड़ा गेन किया। तो ये थोड़ा बहुत फैक्टर्स हैं। जैसे ही आपको प्रॉफिट का मौका मिलता है तो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे इंडेक्स आता है तो लाजमी प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले ये कि डेली व्यू के बेसिस पे आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। ऑब्वियसली कल का न्यूज इम्पैक्ट था, आज थोड़ा बहुत नलीफाई किया उसको, कल भी मार्केट थोड़ी तेज जाएगी, लेकिन मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना है। देखें, सबसे पहला चैलेंज अब मार्केट को 42,200, ठीक है, 42,200 के बाद 42,800 और 43,400, ये तीन मार्केट के मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। मैंने आपको पहले बताया कि मंथली जो है ना वो क्वार्टरली आपकी मंथली क्या क्लोजिंग आनी चाहिए। तो ओवरऑल अच्छी मार्केट आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वॉल्यूम भी थोड़े बेहतर हैं, लेकिन स्टिल दोनों डेज के अगर देखें तो उससे कम है वॉल्यूम, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत बेहतर है मार्केट। थोड़ी आज AKD की प्रॉब्लम आई हुई थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी लोगों ने फेस की, तो स्टिल जो है ना वो अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ने फिनिश किया। डेली आवरली चार्ट पे देख लें तो आवरली बेसिस पे मार्केट बहुत अच्छी क्लोजिंग दे गई है, और इंशाल्लाह ताला कल जो है ना वो पॉजिटिविटी की उम्मीद है और आगे की तरफ जाने की उम्मीद है। 2 आवर्स की रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा, ये आगे चला जाएगा, यहाँ नहीं रुकेगा। तो ये तकरीबन आपको ना 42,400 के करीब करीब, या 42,200 से 42,400 के करीब करीब मार्केट आपकी हिट करती नजर आ रही है। ये था जी मार्केट का। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो के दरमियान में भी आपको कोई चीज बताऊंगा जो कि आपको प्रॉफिट देगी, स्टॉक बता दूंगा एक दो। तो इसके अलावा देखें, सबसे पहली बात ये है कि मैं अब टॉपिक तरफ, ये है कि आपको ये सीख के काम करना चाहिए, किसी भी गुरु के पीछे, किसी भी इंसान के पीछे लग के, ब्रोकरेज के पीछे लग के, या किसी भी के पीछे लग के आप लॉस उठाएंगे। मैंने आपको पहले बताया क्वार्टरली बेसिस पे मार्केट नेगेटिव खड़ी हुई है, जो मर्जी इंसान कर ले, जो मर्जी कुछ कर ले, ठीक है, एक हद तक जाएगी मार्केट, फिर नीचे आएगी। मार्केट कहाँ तक जा सकती है मैं आपको आज बता रहा हूँ, 35-36 मार्केट ने जाना है, ठीक है, मार्केट ने इसके बाद जाके 35-36-37, ये जो रीजन है ना 36-37 का, यहाँ जाके मार्केट ने सांस लेना, इसके बाद जाके मार्केट का एक नया ट्रेंड शुरू होगा, ठीक है, तो वहां जाके मार्केट को सपोर्ट मिलेगी। यू तो ये हालात लेके आएंगे, कोई भी कुछ करके मार्केट जो है ना घूमती घुमाती आहिस्ता आहिस्ता करती करती तक नीचे जाके गिरेगी।
है जी। तो लेकिन रिवर्स अगर होने पे आई तो क्वार्टरली क्लोजिंग इसको ये देनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। तो अच्छा, अब इसको आपने सीख के करना है। देखें, ये बात जहन में रखें कि जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं देंगे, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, आप हमेशा लोगों की बातों में आके ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। ठीक है, नो डाउट कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको स्टिल कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और कुछ ना कुछ समझ के काम करना पड़ेगा, या फिर जिसको समझ आए उसके साथ लग जाए। ठीक है, तो ये एक कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है जो कि आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली है। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, इसमें कोई कीमत नहीं है, 2500 रुपया इज नथिंग। ठीक है जी, इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है इससे। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, कम वक्त में जो चीजें ज्यादा आपको प्रॉफिट दे सकती हैं, क्लियर पिक्चर जो आपको दिमाग में किसी भी स्टॉक को देखें तो आपको पता चल जाएगा, यार ये है इसकी लैंग्वेज, ये बोल रहा है। ठीक है जी, टेक्निकल भी पार्ट प्ले करते हैं नो डाउट, और न्यूज भी इम्पैक्ट आता है, दोनों चीजें मिल मिला के सारा काम करती हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स आपको बताए जाएंगे, सिर्फ वही के वही 3 से 4 इंडिकेटर, 5 इंडिकेटर जो कि मैं यूज करता हूँ, जो कि मोस्टली लोग नहीं यूज करते, और इंशाल्लाह जिनकी एक्यूरेसी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा है। मेरा अपना बनाया हुआ इंडिकेटर मैं आपको शायद शेयर करूंगा इंशाल्लाह, उसकी एक्यूरेसी कमाल है। ठीक है, फंडामेंटली आपने किस तरह देखना है चीजों को, क्या क्रुशियल पॉइंट्स देखने होते हैं, 3 से 4 पॉइंट होते हैं जी, और कुछ भी नहीं है, वही देखेंगे हम, वही आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह ये। ठीक है, उसके अलावा इंशाल्लाह हम 2 दिन एक रियल टाइम क्रिप्टो में भी, और उसमें भी क्रिप्टो के भी मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। देखिये, मैंने बहुत पहले, आज की बात नहीं है ये, मैंने को मेरे पास रिकॉर्ड में पड़ी, उसमें लोगों से हम बातें करते रहते हैं कि इस क्रिप्टो में 16,000 BTC लगा के जा रहा है, ये 3 महीने पहले हमने बताया, तो माशाल्लाह वो 3, 16, 17 हजार लगा चुका है। ठीक है, सिमिलरली आप मार्केट का सुन लें, मेरी वीडियोस पड़ी हुई है सारी की सारी। ठीक है, तो कोई भी आपको ये नजर नहीं आएगा पॉइंट इंशाल्लाह ताला के जहाँ पे आके कोई मिस पॉइंट हुआ हो। हाँ, बाकी गलती कोताही इंसान से होती रहती है, इतने भी हम एक्यूरेट नहीं है। बाकी आपको टूल्स बताए जाएंगे जो कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, वो ऑनलाइन है, अवेलेबल है, बहुत सारे लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं, वो देखने चाहिए। PSX की इटसेल्फ वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, आपको कहीं और मतलब के एक नजर में आप देख सकते हैं कि यार क्या चीज, क्या स्टेटस है इसका, क्या करना चाहिए, एक नजर से इंसान पकड़ सकता है कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, कौन सा क्या हो रहा है। PSX की वेबसाइट पे इटसेल्फ बहुत ज्यादा मवाद पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये एनालाइज करना सिखा दिया जाएगा कि मैंने किस स्टॉक में बैठना है और किस स्टॉक अगला क्वार्टरली के लिए, या अगले 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, साल के लिए, जिसमें तेजी आ सकती है। ठीक है, नेटसोल एक दिन में नहीं बढ़ा, बेस सेट करते हैं। ठीक है, TRG एक दिन में नहीं बढ़ा, टैली एक दिन में नहीं बढ़ा, बग्जल में मैनिपुलेशन हुई थी ये मैं मानता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको साथ बताई जाएंगी कि इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने कौन सा शेयर में बैठना है और कौन से में नहीं बैठना, मुझे लॉस देगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत अहम है, ये सीखने वाली बात है, आप काइंडली इसको कंसिडर करें। ठीक है, सिमिलरली मार्केट आपका जब एनालिसिस पक्का होगा, जब आपको पता होगा, तो आपको पता होगा कि यार मैंने किस टाइम मार्केट के अंदर चिप इन करनी है, किस टाइम नहीं करना। ठीक है, तो उसके अलावा 1-to-1 सेशन तो मेरे साथ वैसे ही चलते रहेंगे, ये एक पॉइंट मतलब कि एक्स्ट्रा है कि कोई बाद में मेरे से पूछना चाहता है, इवन के मैं आपको ड्यूरिंग दीज क्लासेस, ड्यूरिंग दीज सेशंस, 3-4 सेशंस के दौरान भी आपको स्टॉक बताऊंगा, और वो स्टॉक आप लेंगे और इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। ये 2500 रुपया जो आया है ना, ये अगर किसी का 1 लाख का भी पोर्टफोलियो है ना, वो इंशाल्लाह 2500 रुपया क्या 4,000 ही वहीं से निकाल के मुझे दे जाए, तो इसमें आपने मुझे कुछ नहीं देना अगर टेक्निकली देखें तो, है भी ये बहुत कम सी अमाउंट, तो इंशाल्लाह ताला ये लोगों के लिए है, लोग इसमें आए और हम बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंडली माहौल में, फ्लेक्सिबल टाइम के साथ,
ठीक है, जुलाई 5 से लेकर 9 तक विद फ्लेक्सिबल टाइम, जो हम डिसाइड करेंगे, जो के ग्रुप में एक ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें लोग सब ज्यादा मुत्तफिक हो जाएंगे, वही टाइम यहाँ पे हम कर लेंगे। तो बड़ा ही मैं इसको रिकमेंड करूंगा। पिछले लोगों ने जिन्होंने भी लिया, माशाल्लाह उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया, वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब इसका मैं आपको, अब आपका अगर कोई नया बंदा सुन रहा है तो कहेगा यार ये बातें कर रहा है, बातें नहीं है भाईजान, आपको मैं आज ही की एक्टिविटी दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये आरपी कैपिटल, ठीक है जी, ये आज ही की एक्टिविटी है, ये कोई वो नहीं है, बहुत दूर की पुरानी बात नहीं। ठीक है, तो इसमें देखें, न्यूज इम्पैक्ट अकोमोलेशन इज बेस्ट टू नॉट बाय, वी रिकमेंड मंडे, मंडे को बाय किया जाए। अच्छा, टुडे 10:47, मतलब पाकिस्तान के आपके ऑलमोस्ट 12:45 का टाइम होगा। ठीक है जी, आप 12:45 पे इन सब की कीमतें देख लें, बाय कॉल दी गई, इनमें से कोई भी स्टॉक ले लें, सारे चलेंगे। ठीक है, आप देख लें, आपको वाजह फर्क नजर आ जाएगा और कल को प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। ठीक है, तो टाइमली आपको जब करना होता है काम तो उस टाइम हम आपको बताते हैं। एक और बात, ठीक है जी, बहुत सारी बातें हैं मैं आपको, लेकिन थोड़ा सा एक क्लू दे देता हूँ। ठीक है, ये देखें ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है जी, ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है, ये कीप इन माइंड 42,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मार्केट यहीं से वापस हुई थी वैसे। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन, ट्यूसडे को तो मैंने शायद यही कुछ ही बताया होगा, लेकिन वेडनेसडे वाले दिन जब एक न्यूज आई, ठीक है जी, पता नहीं कौन सी न्यूज थी जिसका इम्पैक्ट लोग कह रहे थे पता नहीं कितना ज्यादा आ जाएगा, लेकिन मार्केट ने कोई इम्पैक्ट ना लिया। ठीक है, तो 7:28, मतलब कि मार्केट अभी शुरू हुई है, प्री ओपनिंग का टाइम है, प्लीज बुक प्रॉफिट। कोई बंदा देखना चाहता है तो वेनसडे को क्या दिन था, वेनसडे को 22 तारीख थी। ठीक है जी, कोई बंदा अगर देखना चाहता है कि 22 तारीख को क्या हुआ तो वो जाके देखे। 15 मिनट में हमने कहा कि आप प्रॉफिट बुक कर लें, पिछले दिन मार्केट तेज चली थी, हमने कहा बार प्रॉफिट बुक कर लें, हाईली एक्सपेक्टेड दैट मार्केट विल फॉल, एंड मार्केट जो है ना 2 आवर की कैंडल अगर 42,800 से ऊपर बनाती है देन हम देखेंगे। शॉर्ट की कॉल दी गई, लॉन्ग की कॉल दी गई, ठीक है जी, डिस्काउंट करके सबको कहा के बेच दो, एवीएन बेच दो, खुल के बेच दे जी, ठीक है जी, एवीएन बेच दें, सब बेच दें, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर ले, नेट सोल भी भेज दें, सब भेज दें, लेकिन एक कॉल दे गया जाता जाता, बंदा एक कॉल दे गया जाता जाता कि एसएनजीपी ले लें 36-33.6 पे। एसएनजीपी ने उसके बाद 35.5 लगाया, सबको सेल करा दिया, एसएनजीपी ले लें। थर्सडे को देख लें, ठीक है, प्लीज बाय हमएनएल, थर्सडे को आप देख लें कि 23 तारीख को क्या हुआ होगा। ठीक है, ये नेट सोल हमएनएल जीजीएल, नेट सोल ने लॉग तक लगाया, ठीक है, डीजीकेसी ने बहुत अच्छा मूव दिया, सब ने बहुत अच्छा मूव दिया, एसएनजीपी को कहा गया था बाय कर लो, नेट सोल को कहा था कि नेट सोल स्टार्ट हो रहा है, नेट सोल उस टाइम 98 पे था जब ये स्टार्ट हो रहा था, पीछे का आप टाइम देख लें जाके, ठीक है जी, 12:20 पे जाके देख लें नेट सोल की क्या कीमत हो। ठीक है, पीआरएल देख लें, चेक एटीआरएल, एटीआरएल कॉल दी गई, 83 मार गया। ठीक है, तो इसी तरीके से नेट सोल कहा गया कि 102 से 104 की पट्टी में 10,000 लें और ऊपर बेच दें। ठीक है जी, तो नेट सोल ने 104 मारा तो वहां पे जाके बेच दी, लेकिन 102 से नीचे होल्ड नहीं करना, तो ये मेरा रिकमेंडेशन। ठीक है, तो उसके बाद एक न्यूज आ गई तो नीचे आ गई मार्केट, और आज कहा गया जी आप एमएफएल ले लें, एजीएल ले लें, ठीक है जी, 4.6 से 5 के दरमियान में अगर आता है तो, वरना 5.2 से मैंने कहा हुआ था कि कॉम्बिनेशन कर लें, आज एजीएल देख लें, डेल देख लें, ठीक है, एफसीसीएल देख लें कि यहाँ पे बेस्ट है, तो ये सारी चीजें हैं, तो हम बाय गाय बाय हम बताते रहते हैं। ठीक है, जब भी मैं देखता हूँ कि मार्केट गिरने वाली है तो उसको बता दिया जाता है, जब मैं देखता हूँ मार्केट तब चढ़ने वाली है वो बता दिया जाता है, जो स्टॉक मुझे लगता है कि दिए जाते हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुल ही जाती है, तो आपको ये सीखना चाहिए। ठीक है, ये एक दिन में नहीं आता, ये कुछ टाइम लगता है, लेकिन आपको ये सीखना चाहिए। तो मेरी तरफ से जी आपके लिए इतना ही, और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लेंगे, जितने ज्यादा लोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, उतने ज्यादा सिखाने का भी बंदे को मजा आता है, तो
अल्लाह ताला आप सबको प्रॉफिट में रखे, हामी और नासिर हो। तो इंशाल्लाह ताला नेगेटिव अगली वीडियो में मिलते हैं। लेकिन मैं आपको जाता जाता एक बात बता दूं कि प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, ठीक है, अच्छे स्टॉक में काम करें, और जो स्टॉक बेहतर हैं, जिनकी फंडामेंटली स्टॉक है, उनमें काम करें। उसमें आप PRL देख सकते हैं, उसमें आप HMNL देख सकते हैं, उसमें आप नेटसोल देख सकते हैं, उसमें आप म्यूचुअल फ्रूट देख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा घटा हुआ है, 79-71 से बैक हो सकता है, ठीक है। KSBP लॉक पे लॉक लगाए जा रहा है, वो एक दफा नीचे आएगा और उसको देख सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, खैर पिछले क्वार्टरली से। AVN देख सकते हैं, ऑक्टोपस देख सकते हैं, ठीक है। छोटे शेयर्स में भी मेरे पास शेयर्स हैं, लेकिन बाद में बताएंगे। तो जी, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।